आज हमारा फ्लक्स का काम फिनिश हो जाएगा और अगली जो हमारी क्लास होगी वो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आप लोगों को बताने के लिए, हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता भी दी हैं आप लोगों को, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। पहले एक बार अपने सारे पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो, अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मुझसे डिस्कस कर लो अभी, जितना मैंने अभी बताया आप लोगों को। कोई अगर प्रॉब्लम लग रही है किसी के अंदर तो मुझसे पूछ लो बेटा अभी, नहीं है सब याद है अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। कौन सा बताओ, बोल दो क्वेश्चन क्या है। अल्फा एक्स था या अल्फा एक्स के, हाँ हाँ ठीक है बताओ क्या। अरे कहना क्या चाह रहे हो भाई, हाँ अल्फा एक्स दे रखा था, वो नहीं हुआ नहीं तो उससे क्या प्रॉब्लम आई उसमें। यार बहुत लंबा छोटा सा डायग्राम है उसका, अब बनाना पड़ेगा। इसमें धागे जरा देखना, नहीं है क्या प्रॉब्लम है बताओ आप मुझे। अल्फा एक्स की पावर 1/2 वाला है ना, या खाली अल्फा एक्स वाला है। यहां से करेंगे लाइंस एंटर, ठीक है, तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो होगा इनवर्ड फ्लक्स माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ से लाइनें बाहर निकलेंगी तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो होगा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, माइनस एल्फा अंडर रूट एक्स, और ये वाला एरिया देखो सिर्फ इससे करेंगे एंटर बेटा, दोनों को क्लास से बाहर कर दूंगा और एंट्री नहीं दूंगा यहाँ बिल्कुल भी। तुम्हें 20 बार मना कर लिया कि क्लासरूम में बैठकर बात मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अल्फा अंडर रूट एक्स, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर। एक्स का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये दे रखी है तुम्हें ए, समझ आ रही बात। x की जगह रख दो a, तो ये आ जाएगा माइनस के अल्फा a की पावर 5/2। नहीं समझे कैसे आया 5/2, अल्फा तुम्हारे पास में कितना है 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में बदल लेना 10 की पावर माइनस के माइनस 4 नीचे आएगा, ऊपर जाकर प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब निकालो आउटवर्ड फ्लक्स, अल्फा अंडर रूट एक्स यहां का एरिया, यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक, ये ए और ये ए 2a, एक्स की जगह 2a रख देना, ये आउटवर्ड फ्लक्स आ गया। कितना है आउटवर्ड फ्लक्स हमारे पास में, फाई आउट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अल्फा ए की पावर 5/2, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे आंसर, क्या दिक्कत थी या ऐसे ही चल रहा था बस काम, यही पूछ लिया क्या, प्रॉब्लम क्या थी बताओ। अच्छा ठीक है, अब आगे समझ में। चलिए देखो, अभी 3-4 चीजें आज मुझे आप लोगों को बतानी है और वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ की, ठीक है, लिखो अपनी कॉपी के अंदर। नंबर 1,
वैसे तो उसका काम खत्म हो गया क्वेश्चंस वगैरह का, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बताने हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। देखो बेटा, ये एक हमें इनफाइनाइट वायर दे रखा है, ठीक है, जिसके ऊपर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। इस वायर से आर डिस्टेंस पर, यानी यहां पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है आपके सामने या जो प्रॉब्लम है आपके सामने, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने तभी कहा था कि गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन आप लोगों को करने हैं, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है ये, 1/2 πε0 λ/, क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि ई और आर के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। कई बार आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दोनों के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर E और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं फॉर अ स्ट्रेट वायर, एक सीधे वायर के लिए, तो बेटा ग्राफ बनेगा ये। इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनेगा फॉर लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। नंबर वन कंडीशन है ये हमारे पास में। अब आते हैं हम नंबर टू कंडीशन पर। नंबर टू कंडीशन देखिए हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में एक शीट जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। शीट का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है, इनफाइनाइट है। यहां भी वायर का साइज इनफाइनाइट है, यहां शीट का साइज इनफाइनाइट है, समझ में आ रही बात। और जब किसी एरिया के ऊपर आप चार्ज को फैला कर रखते हो तो वहां जो टर्म यूज में आता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हमें इस शीट से कुछ डिस्टेंस पर, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो शीट के एक तरफ सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है ये, सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन नॉट। ये शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आर एक्स वाई का टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो उसे आप लिखोगे E is directly proportional to R to the power 0। कोई ग्राफ नहीं बनने वाला इनके बीच में, इनके बीच में कोई भी ग्राफ बनने वाला नहीं है। समझ में आ गई सभी लोगों को बात। ये कैसा है हमारा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये शीट है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है भाई हमारे पास में होलो स्फीयर। होलो स्फीयर देखो जरा समझना ध्यान से, होलो स्फीयर हमें दे रखा है, इसके सरफेस के ऊपर हमने चार्ज को फैला रखा है, ठीक है, ऐसे। और जो सरफेस के ऊपर चार्ज हमने फैला रखा है उसकी डेंसिटी है सिग्मा। कितनी है डेंसिटी, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है डिस्टेंस। होलो स्फीयर अंदर से खोखला है, होलो है अंदर से, क्लियर। तो अंदर हर एक पॉइंट पर, अंदर से होलो है, यहां हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। बताओ किसके इक्वल होगी, अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये सरफेस है, सरफेस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप सरफेस से बाहर जाना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ बनेगा फॉर होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के लिए ऐसा ग्राफ बनना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये सीधे वायर के लिए, ये शीट के लिए, और ये होलो स्फीयर के लिए, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारे सामने आता है, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, चौथे नंबर पर हमारे सामने आएगा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। देखो बेटा ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। हालांकि सॉलिड स्फीयर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका ग्राफ पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो आप ध्यान रखिएगा। सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ कैसा मिलेगा,
इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है डिस्टेंस, और ये है हमारे पास में सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, देखो इसके बिल्कुल सेंटर पर, सॉलिड स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सरफेस पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम, बाहर जाना स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम है इसका? सॉलिड स्फीयर। चार ग्राफ है तुम्हारे सामने और मेरे हिसाब से इनसे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक कैसा है सॉलिड स्फीयर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, सरफेस पर पहुंचकर क्या हो गया मैक्सिमम, सरफेस से बाहर जाएंगे घटना स्टार्ट कर देगा। मेटेलिक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कांस्टेंट है बिल्कुल। डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और वो हमारा होलो स्फीयर के लिए है। क्लियर? चारों ग्राफ अपनी कॉपी में बना लीजिए जल्दी से। कौन से वाला? ये वाला, ये पूरा अंदर से होलो है, ठीक है, खोखला है अंदर से। अगर अंदर से होलो है ना तो चार्ज इसके सिर्फ सरफेस पर रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जा पाएगा। अंदर चार्ज नहीं जा पाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो देखो इसीलिए मैंने इतने हिस्से में कोई ग्राफ नहीं बनाया। ग्राफ मैंने कहां से स्टार्ट किया? इसके सरफेस से, यानी यहां से। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मैक्सिमम। बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉलिड स्फीयर, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां। नहीं नहीं, वो चार्ज बढ़ रहा है ना। अगर तुम इतने की बात करोगे, इतने की बात करोगे तो इतने में तो सिर्फ इतना ही चार्ज आएगा, समझ रहे हो? थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा, और बढ़ाओगे तो और चार्ज बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। हो गया। ठीक है, अब ग्राफ ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ आप लोगों से पूछा जा सकता है। चार ग्राफ है, चार क्या बल्कि तीन ही ग्राफ है, एक में तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग अब आप लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन थिन चार्ज कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन थिन चार्ज कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, वो तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बाकी है कि इस पर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान से देखना है कि कैसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक सवाल बता दूंगा इसके ऊपर तो क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कर दो रफ। देखो भाई, देखो एक प्लेट हमें यहां दे रखी है जिसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी है प्लस सिग्मा वन, और
और एक प्लेट हमें यहाँ दे रखी है जिसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी है प्लस सिग्मा टू। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। आप लोगों से पूछा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, यहाँ बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, और यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। ठीक है, आपको तो ये वायर लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ये शीट है, शीट ऐसी है ना ऐसी, और ये शीट ऐसे रखी है ऐसे, तो ये सिर्फ सामने का हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वायर की तरह लग रहा है ये, हमें इस पॉइंट पर बताना है, इस पॉइंट पर बताना है, इस पॉइंट पर बताना है। आइए सबसे पहले बताते हैं मिडिल पॉइंट पर। देखो बताओ इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो यहां लिख दिया मैंने पॉजिटिव। इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, जब इस पॉजिटिव की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो प्लस की वजह से यहां डायरेक्शन होगी इस तरफ, होगी इस तरफ, और जब इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस प्लस की वजह से यहां डायरेक्शन होगी इस तरफ। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो बताइए बी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, ये बताइए। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, भाई E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां कितना होगा, और E2 है, इसकी वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पर चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा 1, तो E1 की वैल्यू रहेगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से यहां इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बीच में आएगा माइनस, और इस प्लेट की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक प्लेट की वजह से इतना, दूसरी प्लेट की वजह से इतना, कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल जाएगा सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 और अपॉन में क्या बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पॉइंट पर। ठीक है, अब ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर एक जैसा होगा, मैं किसी भी एक पॉइंट पर आपको निकाल कर दिखा देता हूं। जैसे सी पर निकालना है, भाई बताओ इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जब इस पॉजिटिव की वजह से यहां निकालोगे डायरेक्शन इस तरफ। इस प्लेट पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से यहां निकालोगे डायरेक्शन इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। E1 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेट की वजह से है, बताओ चार्ज की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट पर कितनी है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो सॉल्व करके लिख सकते हो। अच्छा, जितना सी पर होगा बिल्कुल उतना ही ए पर होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और अपॉन में क्या आएगा 2 एप्सिलॉन। ठीक है, आया समझ में हमने कैसे निकाला, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं। देखो बेटा, प्रॉब्लम कैसे आप लोगों से पूछी जा सकती है। एक प्लेट हमें यहां दे रखी है जिस पर चार्ज की डेंसिटी है 2×10^-12 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक प्लेट हमें यहां दे रखी है जिस पर चार्ज की डेंसिटी है −3×10^-12 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है सिग्मा 2 की और ये वैल्यू है सिग्मा 1 की, इस पर पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव है। यहां बीच में हमें एक पॉइंट दे रखा है ए जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों से ध्यान रखिएगा। बताइए इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस प्लेट पर कैसा है। जब इस पॉजिटिव की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन इधर, नेगेटिव की वजह से यहां निकालेंगे, नेगेटिव के केस में डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ ही होती है, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो गई। तो बीच वाले पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, देखो मैंने प्लस रखा है, कभी माइनस रख दो यहां पर, माइनस इसलिए नहीं रखना है क्योंकि ये जो माइनस और प्लस है ना ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है। बताओ क्या आंसर बनेगा हमारे पास में, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इन दोनों को जोड़कर 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, दोनों को जोड़ दो, इसे और इसे जोड़ दो, ये माइनस नहीं लेना है आपको, माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 5×10^-12 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85×10^-12, इससे ये कैलकुलेट मतलब कैंसिल आउट हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारे मिडिल पॉइंट पर।
आगे समझ में कैसे निकाला है? अगर किसी बाहर वाले पॉइंट पर निकालते तो कैसे निकालते बताइए? प्रीतम, प्रियम, कैसे निकालेंगे बताओ? मान लो इस पर निकालना है, यहां पॉजिटिव की वजह से जब इस पर निकालेंगे तो इधर इवन, फिर नेगेटिव की वजह से यहां निकालेंगे तो डायरेक्शन इधर ई टू, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू इवन माइनस, तो ये बनेगा सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू अपॉन टू एप्साइलन नॉट। सिग्मा वन की वैल्यू है, सिग्मा टू की वैल्यू है, माइनस करोगे टू एप्साइलन नॉट से डिवाइड करोगे, आंसर आ गया समझ में? कर लीजिए नोट। सिग्मा के अंदर ये जो माइनस और प्लस है ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है, कैलकुलेशन में इनका यूज मत करिएगा आप लोग, ठीक है? हो गया? ठीक है, तो ये प्लेट वाली कंडीशन ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, और कैसे निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा। अच्छा ये तो पता है ना कि अगर दोनों पर सेम होता तो सिग्मा वन और सिग्मा टू लेने की जरूरत नहीं थी, फिर आप सिग्मा ले लीजिए, सिंपल, समझ में आ रही बात? खाली सिग्मा ले लीजिए, अगर दोनों पर चार्ज की डेंसिटी कैसी है, सेम है, फिर आप सिग्मा का यूज करके आंसर निकालिए, ठीक है? डायरेक्शन ध्यान रखना तो प्रॉब्लम बन जाएगी आप लोगों की, ठीक? ओके, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो भाई बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई के अंदर दिया गया था, इसकी रेडियस है आर वन, सेंटर है ये, दूसरी की जो रेडियस है वो है आर टू और सेंटर यही है, ठीक है? हमने इस गोले पर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराया, ठीक? हमने इस गोले के सरफेस पर, ये पूरा स्पेयर है बेटा, स्पेयर के सरफेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, और उस चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है प्लस क्यू, ठीक है? आपको ये बताना है कि कुछ देर के बाद में दोनों गोलों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन था वन मार्क्स में सीबीएसई के अंदर, तो है तो बहुत आसान, लेकिन देख लेते हैं एक बार कि कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। सबसे पहले ये बताइए कि प्लस क्यू चार्ज को हमने इस रेड वाले स्पेयर के सरफेस के ऊपर फैला दिया, तो एक इंडक्शन मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ये कहेगा कि इस प्लस को देखकर यहां इस ब्लैक वाले के अंदर की तरफ माइनस क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? समझ में आ रही बात आप लोगों को? इस प्लस को देखकर माइनस आ गया। पहले ब्लैक वाले पर कोई चार्ज हमने फैलाया था? नहीं फैलाया था, ब्लैक वाले के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इस प्लस को देखकर माइनस आ गया, यानी पहले न्यूट्रल था। तो हम बाहर की तरफ कितना चार्ज रखें कि दोनों के चार्ज को ऐड करके जीरो आना चाहिए? दोनों यहां हम रख देंगे प्लस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोबारा से कितना आ जाएगा हमारा? जीरो। बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? हमसे पूछा गया था कि यहां बताना है सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, ये सिग्मा वन है, और इस बड़े गोले के अंदर की तरफ बताना है सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी। बेटा सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सिग्मा है ना आपका, उसका मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है सिग्मा वन। अब मुझे ये बताइए कि सिग्मा वन कहाँ है, रेड वाले गोले पर सिग्मा वन है। रेड गोले पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। रेडियस कितनी है, आर वन। तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन फोर पाई आर वन स्क्वायर हो गया। ये रेड वाले गोले की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल गई, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई आर वन स्क्वायर। अब अगर आपको बड़े गोले के अंदर की तरफ सिग्मा निकालना है तो बड़े गोले के अंदर की तरफ चार्ज कितना है आपके पास में, माइनस क्यू। यहां जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह है सिग्मा टू। ठीक है, वेरी इजी, बहुत आसान मेथड है। क्या है तरीका, चार्ज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ, अंदर की तरफ कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और एरिया कितना हो जाएगा, फोर पाई आर टू स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी रहने वाली है वो इतनी है, अंदर की तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो रहेगी वो इतनी है, बाहर की तरफ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी, बस प्लस में रहेगी। ठीक है, सिग्मा टू डैश इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन फोर पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, प्रॉब्लम दी गई थी 1 मार्क्स में ऑल इंडिया सीबीएसई के अंदर, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोगों को। ठीक, कर लीजिए नोट डाउन। सिंपल, हमने सिग्मा का फॉर्मूला लगाया चार्ज अपॉन एरिया। अमान अली कोई समस्या है क्या, नहीं आया समझ में, हाँ आ गया। भाई थोड़ा सा अलग होके बैठ, तू नहीं तो बात करता ही रहेगा वहां, तो ही तुझे ही कह रहा हूं, लास्ट में वो बैठा है, अलग होके बैठ उससे, और हो जा अलग, और हो जा उधर, ठीक है, आ गया समझ में। ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो बचे हुए थे आप लोगों के, ये हमने आप लोगों को बता दिए, एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं, फिर ये दोनों चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम दोनों बताओ। आगे लिखिए क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर, इन द गिवन कंडीशन फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इन द गिवन कंडीशन फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इन द गिवन कंडीशन फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये डिस्टेंस हमें दी गई है x इज इक्वल टू 1 मीटर, ये डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 2 मीटर, ये डिस्टेंस है x इक्वल टू 4 मीटर, और ये डिस्टेंस है x इक्वल टू 8 मीटर, और डैश डैश ऐसे करता हुआ इनफाइनाइट तक चला गया। ठीक है, ये बहुत पुराने वर्जन में क्वेश्चन आ रखा है, अब ध्यान से आप सुनिएगा। बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू ऑल्टरनेट करके, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, इनफाइनाइट तक रखे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट तक रखे ही रखे हैं। समझ में आ रही बात, इन सब की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, आप जरा ये बताओ कि पहला चार्ज कैसा है, जब इस पॉजिटिव की वजह से यहां निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी इस तरफ, इसे हम नाम देंगे E1। ठीक, प्लस से दूर की तरफ, प्लस से पॉइंट की तरफ। दूसरा चार्ज कैसा है, जब इस नेगेटिव की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन होगी नेगेटिव की तरफ, अरे भाई आया समझ में। तीसरा चार्ज कैसा है, जब इस पॉजिटिव से हम पॉइंट पी पर निकालेंगे तो डायरेक्शन कितनी होगी, E3, वैल्यू E3 होगी और दूर जाते हुए होगी, प्लस से बाहर की तरफ होगी। समझ में आ रही बात,
ये चार्ज कैसा है? माइनस। जब इस माइनस की वजह से पी पर निकालेंगे, डायरेक्शन होगी इस तरफ ई फोर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो बेटा ई वन इधर, ई टू इधर, फिर ई थ्री इधर, फिर ई फोर इधर, एक इधर, उसके अगले जस्ट बाद वाला इधर है। समझ में आ रही बात? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारे पास में ई वन माइनस ई टू। देखो ई वन इधर है, ई टू इधर है, इसलिए माइनस कर दिया। फिर ई थ्री है इधर, ये प्लस, फिर क्या करेंगे माइनस ई फोर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। आया समझ में? क्योंकि चार्जेस बहुत दूर तक इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं। ठीक, चलिए ईवन देखते हैं, ईवन कितना होगा। ईवन क्या है? ईवन है इसकी वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर वन चार्ज, नंबर टू डिस्टेंस। चार्ज कितना है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो हमने लिख दिया 1/4πε0 को k। चार्ज कितना है? q, और अपॉन में हमने लिख दिया 1 square। क्लियर? माइनस e2 को हम क्या लिखेंगे? k। चार्ज को नेगेटिव नहीं लेना है, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए था और उसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे हम लोग? q। और बताइए यहां से लेकर वहां तक की डायरेक्शन कितनी होगी, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी? 2। अरे 2 होगी भाई। फिर प्लस k q, नेक्स्ट क्या है बेटा? 4 square प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये बताइए कि कॉमन क्या आ सकता है यहां से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, k कॉमन है, q कॉमन है। ठीक है, 1 का square करेंगे 1 माइनस 1/4, 4 का square करेंगे 1/16 डैश 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 इनफाइनाइट। ये पूरी एक सीरीज बन गई बेटा, सीरीज, ये पूरी एक सीरीज बन गई इनफाइनाइट तक। इस सीरीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी सीरीज। जिसे नहीं पता है वो आगे से याद रखे। जीपी सीरीज की खास बात क्या है? जैसे एपी में दो टर्म्स के बीच का गैप सेम रहता है ना, जीपी में इनका जो डिवीजन है वो सेम रहता है। माइनस के 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 1/4 आएगा, 1/16 को माइनस के 1/4 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 1/4। यानी यहां माइनस नहीं करना है, डिवाइड करना है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा इस सीरीज का जो सम निकालने का फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखो। ये जो k आपको दिख रहा है ना, इस k को हम लिखेंगे 1/4πε0, साथ में है q। ठीक, अब इसके जो सम निकालने का तरीका, इन सबको जो जोड़ने का तरीका है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास में ये a/(1 - r)। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, a/(1 - r)। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और r का मतलब है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p q/4πε0। हाँ भाई बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, 1 माइनस। r क्या है? r, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस के 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? माइनस के 1/4 ही आएगा। बताओ आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, आप ऐड करिए, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या बनेगा? q/4πε0, और ये बनेगा हमारे पास में 4/5, इससे ये कैंसिल आउट एंड द करेक्ट आंसर इज q/5πε0। लो भैया, पी वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो इतना रहने वाला है। सबसे पहले हमने सबकी डायरेक्शन बना दी। ठीक है, ये बनी डायरेक्शन, डायरेक्शन समझ गए ना? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्यों है ऐसा? प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर, फिर प्लस की वजह से इधर, फिर माइनस की वजह से इधर। सबका रिजल्टेंट निकालकर सॉल्व हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, कर लीजिए नोट।
हो गया, ठीक है, बढ़े आगे। तो भैया ऐसा है, अब हमारे पास में ना बहुत कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, उसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो आपको हम करा चुके हैं, ठीक है। इसमें पूरी आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई है, आपके प्रीवियस ईयर कवर हो गए हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक, इसमें पूरा आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बोलूं, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वैसे मुझे लगता है कि इसके चांसेस काफी कम है, मतलब जरूरी नहीं कि आप लोगों से पूछा जाए, फिर भी आप लास्ट ऑप्शन के तौर पे इसे भी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट हेडिंग अपनी कॉपी में आप डाल दीजिएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 ठीक है, करें स्टार्ट। अब ध्यान दीजिए जरा, देखो भाई बच्चों, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिया है वो ऊपर की डायरेक्शन में दिया है कुछ ऐसे, ये हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दिया है बेटा ऊपर की डायरेक्शन में। तुम में से कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कहां होगा? नेगेटिव पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है ई, ठीक। अच्छा, हमने एक चार्ज पार्टिकल के पाथ को ना ये फिक्स कर दिया कि एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे रास्ते से पास होना है। भाई ध्यान देना जरा अच्छे से, बात बात कम करो, यहां ध्यान दो। माना कि चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? टाइम बराबर जीरो पर ना इतनी वेलोसिटी है। टाइम बराबर जीरो पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, यह है हमारे पास में एक्स एक्सिस, यह है हमारे पास में वाई एक्सिस। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करके यहां पहुंचेगा, पार्टिकल का चार्ज है पॉजिटिव, ये जो वेलोसिटी है ना ये तो इस चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। जिस वेलोसिटी से हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया था वो वेलोसिटी तो चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाने की कोशिश करेगी। ये क्या है बेटा? और ये क्या है? ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? यानी माइनस इस प्लस के ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स। ये बताइए चार्ज कितना है? क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा क्यू ई। कितना काम करेगा? अब मुझे एक बात बताइए, वी वेलोसिटी आगे ले जाने की कोशिश कर रही है और ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है क्यू ई, वो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तो चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा, ऊपर जाएगा या कहीं और जाएगा? चार्ज पार्टिकल ना तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, यानी बिल्कुल कि भाई बिल्कुल सीधा यहाँ से ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होगा ना। चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाएगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा और ऐसे निकल जाएगा चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रही बात? चार्ज पार्टिकल ऐसे निकल गया, यानी चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हो गया, इतना डिफ्लेक्ट हो गया। चार्ज पार्टिकल को इस पिंक लाइन के ऊपर चल के जाना था, लेकिन जा यहां से रहा है, यानी अपने रास्ते से इतना भटक चुका है चार्ज पार्टिकल, वाई डिफ्लेक्शन हो गया इसके अंदर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब ये वाई हमें कैलकुलेट करना है कि ये वाई कितना होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हम वाई को कैसे निकालेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आपको कैलकुलेट करना है ये कौन सी डायरेक्शन में है, वाई की डायरेक्शन में है या एक्स की डायरेक्शन में है? अगर ये वाई तुम्हें निकालना है ना तो तुम्हें मोशन की सेकेंड इक्वेशन को वाई की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। देखो भाई, वाई जो है वो एक तरीके की डिस्टेंस है ना, एक तरीके की डिस्टेंस, और ये जो वाई वाली डिस्टेंस है ये वाई की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में है? अब मोशन की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि क्या तो हम उसे एक्स की डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं या उसे हम वाई की डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। चूंकि हमें निकालना है वाई, तो हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन को वाई की डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। क्या है मोशन की सेकेंड इक्वेशन? वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
वैसे तो मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमने यू वाई ए वाई टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो हमने टाइम ही रखा वहां पर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे बेटा। यू वाई का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट पर, यानी ये इनिशियल पॉइंट है, यहां पर वाई की डायरेक्शन में, यानी यहां पर ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी थी। अब मुझे ये बताओ कि यहां पार्टिकल आगे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? ऊपर तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इनिशियल पॉइंट पर यू वाई हमारा किसके इक्वल था? इनिशियल पॉइंट पर यू वाई हमारा जीरो के इक्वल था। तो वाई इज इक्वल टू हाफ ए वाई, और ये कितना हो गया? टी स्क्वायर। यू वाई की जगह हमने जीरो रख दिया। अब हमें चाहिए y की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। देखो कैसे निकालेंगे y की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, बहुत आसान है। ये बताओ y की डायरेक्शन में फोर्स कितना काम कर रहा है? इस फोर्स को हम रखेंगे ma के इक्वल। किसके इक्वल? m को ले जाएंगे qe के अपॉन में। तो बताओ y की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना मिलेगा? qe अपॉन, जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं है? आगे समझ में? y की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कैसे निकला? y की डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है? qe, हमने उसे m से डिवाइड कर दिया, फोर्स अपॉन मास, तो हमारा एक्सीलरेशन बन गया। बन गया एक्सीलरेशन, ये हो गया y की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। अब हम निकालते हैं टाइम। क्या निकालते हैं बेटा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबाई आपको दे रखी है ना, ये l दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबाई आपको क्या दे रखी है? आपको यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम बताना है कितना होगा। यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम कितना होगा? ठीक है, तो ये लंबाई आपको दे रखी है एल, दे रखी है L। ये बताइए L की डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? L की डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? L ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना L? L की डायरेक्शन में स्पीड कितनी है हमारे पास में? V। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम निकल जाएगा हमारे पास में L अपॉन V। दोनों को उठाकर यहां पुट कर दो, y की वैल्यू निकल गई हाफ ए वाई की जगह रखेंगे क्यू अपॉन एम, टाइम की जगह रखेंगे एल अपॉन वी का होल स्क्वायर। लो भैया, आप लोगों से ये प्रूव करा सकता है और हमने आपको बता दिया, इतनी रहेगी हमारी वाई की वैल्यू। ठीक है, नहीं आया क्या समझ में? सबसे पहले ये बताओ कि ये ऊपर की तरफ ही क्यों मुड़ा? क्यों मुड़ा ऊपर की तरफ? क्योंकि वी तो आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और ये क्यू ई का जो अट्रैक्शन काम करेगा, ये कहाँ काम करेगा? ऊपर। वी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्यू ई ऊपर काम कर रहा है, रिजल्टेंटली कहाँ चला जाएगा? बीच में जाएगा ना, रिजल्टेंटली बीच में। ठीक है, तो अपने रास्ते से कितना डिफ्लेक्ट हो गया y, और y को हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। हमने इक्वेशन यूज करी, ये हमारा निकल गया डिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है भाई बच्चों। तो अभी क्या है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल हम स्टार्ट करेंगे मंडे। मंडे और ट्यूसडे दो दिन हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, और वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे चार दिन पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, सर्किट डायग्राम है। ठीक है ना, कैपेसिटेंस में रिविजन की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता बताने का, तो दो दिन में ही पूरा हो जाएगा हमारा काम। तो अगले सैटरडे तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है, एक तो अपनी डेरिवेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। मैं सिर्फ डेरिवेशंस आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि डेरिवेशंस आप अपने आप करें, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एनसीईआरटी सब हम आपको बताकर चल रहे हैं। जितना बता चुके हैं उसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, बढ़िया तरीके से, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आता भी है प्रीवियस में कोई डाउट, तो मुझसे क्लियर कर लीजिए, टेस्ट से पहले क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है,